हरि ओम, मैं ओडिशा की केंदुझर जिला के कमलिनी महंतो हूँ। मैं पहले से बापूजी को नहीं जानती थी, उनके बारे में भी उनके नाम भी मुझे पता नहीं था, पर हमेशा मैं आत्मा परमात्मा को जानना चाहती थी। बहुत सारे पत्रिकाएँ सत्साहित्य पढ़ती रहती थी, फिर एक बार मेरे पतिदेव सत्साहित्य स्टॉल से बापूजी के ऋषि प्रसाद जो पहली बार ओडिशा में आया था, पहला संस्करण था, वो लेके लाके मुझे दिए। वो बापूजी वहाँ ध्यानस्थ थे और वो छवि मुझे इतना भा गई और वो ऋषि प्रसाद पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि मैं जो चाहती थी, मैं आत्मस्वरूप को जो जानना चाहती थी, मुझे लगा मेरे मार्गदर्शक मुझे मिल गए, मुझे मेरे सदगुरु मुझे मिल गए और मैं सही राह पे अब जा सकूँ, मुझे ऐसा लगा। और मेरे जो घर में जहाँ मैं पूजन करती थी, वहाँ लक्ष्मी नारायण की जहाँ फोटो रखती थी, वहाँ बापूजी एक बड़े चेयर में बैठे हुए पूरा दिखे, वो लक्ष्मी नारायण और दिखे नहीं, बस बापूजी ही दिखे। दिन रात में उनको, वो तो ऋषि प्रसाद में उनका छोटा सा पासपोर्ट साइज का फोटो था, पर मुझे सर से पांव तक दिखने लगे बापूजी। और मैं रोने लगी, मुझे मेरे गुरुदेव के पास ले जाओ, मुझे मेरे गुरुदेव के पास ले जाओ। तभी मेरे पास मेरे पतिदेव नहीं थे, वो गाँव गए थे। तो फिर वो दो दिन के बाद आए और दो दिन तक मैं रोती रही, और वो जब आए लौटे तो फिर मैंने बोली कि मुझे मेरे गुरुदेव के पास ले चलो। भाई लोग बताए कि हम गुरु पूर्णिम को जाने वाले हैं, 2007 गुरु पूर्णिम को, तो रिजर्वेशन टिकट चल रहा है, ये लास्ट दो टिकट हैं बच्चे हैं, शायद ये आपके लिए ही है। हम रिजर्वेशन कर दिए। गुरु पूर्णिम को जब हम जाना था हमें बापूजी के यहाँ अहमदाबाद को, तो हमें और 2000 रुपये की ज़रूरत थी, हम जुटा नहीं पाए थे। तो हमने सोचा हम तो SSG किए हैं, वहाँ से 2000 रुपये लोन ले आएंगे। तो मैंने नोटिस भी लाने को गई, और फिर हम इधर पैक भी कर रहे थे, और जब हम पैक कर रहे थे सारे सामान, तब उनके चश्मे के वो जो कवर है ना, उसी से 2000 रुपये मिले। हम गिरे तो वो पूरे 2000 ही रुपये थे। तो फिर मैंने वो नोटिस खाता वो कॉपी वहाँ लौटा दी, फिर हमारा इंतजाम हो गया, ऐसे बोले। और फिर हम निकल गए, हमारे साथ हमारी बच्ची भी 5 साल की थी, वो भी गई। हम तीनों गए बापूजी के पास और वहाँ दीक्षा लेकर आए, और अभी तक वो हमें सही राह पे ले रहे हैं। हमारा तो तन मन धन सब कुछ वही है, उन्हीं के श्री चरण में ही समर्पित हैं हम, जब तक इस शरीर में प्राण रहेगा। और ऐसे गुरु के सेवा में हम जुटे रहेंगे और ऐसे गुरु को पाकर तो हमारा जीवन, हम सबका जीवन धन्य धन्य हो रहा है। हम तो पहले किस राह पे जा रहे थे, पर वो तो हमें इतने सही इतने सच्चाई राह पे ले रहे हैं, और हमें वो आत्मा की, वो परमात्मा की तरफ हमें ले जा रहे हैं। ऐसे सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन।